नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के नए गारंटी गुरु की। जी चौंकिए मत, ये हमने जादूगर का नाम आज के लिए बदलकर गारंटी गुरु रख दिया है। इनको सियासत का जादूगर कहा जाता है क्योंकि ये पलक झपकने तक की देर में सियासी मोहरे बदल देते हैं। आप सही समझे हैं, हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने प्रदेश के आवाम के लिए गुड गवर्नेंस गारंटी स्कीम्स की लाइन ही लगा दी है। गहलोत की ये गारंटी कुछ तो बड़ी दिलचस्प है तो कुछ बड़ी राहत भरी। सबसे बड़ी दिलचस्प जो गारंटी योजना है आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, वो है गोबर खरीदने की गारंटी। जी हाँ, कांग्रेस गारंटी दे रही है कि सत्ता में फिर से आए तो हम गोबर तक खरीद लेंगे, वो भी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हालांकि इस गारंटी स्कीम का नाम गौधन योजना रखा गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपने भैंस भी पाल रखी है तो भी इस योजना के दायरे में आएंगे और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपसे भी गोबर खरीदा जाएगा। वैसे इस तरह की योजना छत्तीसगढ़ में पहले से ही संचालित है। कांग्रेस का मानना है कि इस योजना से प्रदेश का किसान वर्ग कांग्रेस से जुड़ेगा, जिसका सीधा फायदा चुनाव में मिल सकेगा। गारंटी गुरु गहलोत की दूसरी गारंटी स्कीम है उच्च शिक्षा के लिए हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की। कांग्रेस इस वादे के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले साल उसे लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वे आसानी से पढ़ाई कर सके। गहलोत सरकार की तीसरी गारंटी स्कीम का नाम है प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं में जनधन का भारी नुकसान हो जाता है, ऐसे में कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा सरकार कराएगी। सीएम गहलोत ने चौथी गारंटी दी है प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी। अभी प्रदेश में करीब 3000 से ज्यादा सरकारी अंग्रेज मीडियम स्कूल खोले गए हैं। कांग्रेस का वादा है कि अगर प्रदेश में सरकार रिपीट होती है तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा पांचवीं गारंटी है ओपीएस गारंटी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है, अब इसे एक्ट बनाने की गारंटी दी गई है, यानी अगर सरकार रिपीट होती है तो राज्य कर्मचारियों को गारंटी से ओपीएस दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले बजट से देने की गारंटी दी गई है। आपको बताने चाहेंगे कि पहले 10 सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार को देने की गारंटी कांग्रेस दे चुकी है। 2 दिन पहले ही झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली में गहलोत ने 2 गारंटी योजनाओं की घोषणा की थी। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार की मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक और सीएम गहलोत के बेटे सहित कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई जारी है और दूसरी ओर गहलोत अपने मजबूत मनोबल से प्रदेश की जनता को गारंटी का वादा कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सियासी जादूगर की ये गारंटियां क्या कांग्रेस को फिर से सत्ता में ला पाएगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।